Good morning, students. Today name is C. I am going to discuss the difficult words of chapter number 6, Always Be Respectful. So in this, the first one it is polite. P-O-L-I-T-E. Polite. Polite ka matlab kya hota hai? Having good manners and showing respect for others. जिस तरीके से हम लोगों को कभी भी किसी से अगर बात करना हो तो हमें कैसे करना चाहिए, पोलाइटली करना चाहिए. सेकेंड नंबर ट्रीट, T-R-E-A-T, ट्रीट. हम लोगों को हमेशा एक्ट करना चाहिए या फिर बिहेव करना चाहिए सामने वाले या फिर टुवर्ड समबडी और समथिंग इन ए पर्टिकुलर वे. जैसे कि हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने ओल्डर पीपल को रेस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए. यानी यू शुड ट्रीट एल्डर पीपल विथ रेस्पेक्ट. उन्हें रेस्पेक्ट, ओल्डर पीपल को रेस्पेक्ट देना चाहिए. एक ट्रीट होता है जो हम लोग पार्टीज देते हैं किसी को, पार्टी, देन दैट इज नोन एज द ट्रीट, दैट इज डिफरेंट. नेक्स्ट कम्स द एप्रिसिएशन, A-P-P-R-E-C-I-A-T-I-O-N, appreciation. Appreciation का मतलब होता है आभार प्रकट करना, the feeling of being grateful for something. यानी appreciate जब हम लोग किसी को करते हैं, आभार जताते हैं, यानी बहुत ही grateful जब हम लोग feel करते हैं किसी के लिए, then we show the appreciation. या फिर किसी को अगर appreciate करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, gifts भी देते हैं for the work he or she has done. Next comes the instead, I-N-S-T-E-A-D, instead. Instead का मतलब क्या होता है, in place of somebody or something. यानी जैसे मान लीजिए आपको टी चाहिए था, instead of tea you got coffee. यानी टी आपने ऑर्डर किया लेकिन आपको क्या मिल गया, कॉफी. तो ये क्या कहला गया, इंस्टेड, यानी एक के बदले, यानी इन प्लेस ऑफ समथिंग यू गॉट समथिंग एल्स. नेक्स्ट इट इज काइंड, K-I-N-D. काइंड का मतलब क्या होता है, केयरिंग अबाउट अदर्स फ्रेंडली एंड जेनरसली. हम लोगों को कैसे होना चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं यू शुड बी काइंड टू एनिमल्स. यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को हमेशा काइंड और जेंटल वे में किसी और से डील करना चाहिए, पोलाइट वे में, वेल मैनर्ड वे में किसी से भी डील करना चाहिए, यानी किसी से भी बातें करना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट सडनली, S-U-D-D-E-N-L-Y, सडनली यानी अचानक, वेरी क्विकली और अनएक्सपेक्टेडली. यानी कोई भी काम अगर अचानक से हो रहा है, फिर बहुत ही जल्दी हो रहा है, देन दैट इज नोन एज सडनली. सडनली जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, सडनली एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग. तो क्या हो गया, अचानक से कोई भी चीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सडनली. नेक्स्ट कम्स द रेस्पेक्ट, R-E-S-P-E-C-T, रेस्पेक्ट. हम लोगों को हमेशा दूसरे के फीलिंग्स को या फिर हम लोग को दूसरे के ओपिनियंस को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए. एंड वी शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट अदर्स पीपल्स कल्चर्स एंड वैल्यूज टू. इन सभी चीजों का भी हम लोग को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए. यानी अगर कोई पर्सन आपके लिए कुछ करता है तब भी हम लोग को क्या करना चाहिए, वोट ऑफ थैंक्स के साथ में उस पर्सन को हम लोग को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए और हम लोगों को उसके प्रति काइंड रहना चाहिए. और हम लोग को बिना एक्सपेक्ट किए कि रिटर्न में कुछ भी मिलेगा, वी शुड थैंक फॉर दी और वी शुड रेस्पेक्ट फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर यू. नेक्स्ट कम्स द एक्सप्रेसिंग, E-X-P-R-E-S-S-I-N-G, एक्सप्रेसिंग. यानी एक्सप्रेस करने का मतलब होता है टू शो समथिंग सच एज ए फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन. आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो, मान लीजिए आपको एक्सप्रेस करने को कहा गया है कि आप कुछ पॉइंट्स बताइए दिवाली पे या फिर दशहरा पे,
सो व्हाट यू डू विद दैट, यू एक्सप्रेस योर ओन व्यूज, यानी आप अपनी व्यूज यानी आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो ओपिनियन है, वो आप क्या करते हो, शेयर करते हो. दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिंग. और एक्सप्रेस हम लोग अपनी फीलिंग्स को या ओपिनियंस को वर्ड्स में भी कर सकते हैं और बाय एन एक्शन ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स द व्यूज, वी आई ई डब्ल्यू एस, व्यूज. व्यूज का मतलब क्या होता है, एन ओपिनियन और ए पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. यानी किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे में या फिर कोई भी ओपिनियन, इन सभी के बारे में अगर सोचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यूज. जैसे कि आपको बताया कि आप अपनी व्यूज को यानी अपनी ओपिनियन को एक वर्ड्स के बाय वर्ड्स ऑल्सो यू कैन एक्सप्रेस, और यू कैन एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस ऑल्सो. सो व्यूज आर द ओपिनियन और ए पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. नेक्स्ट कम्स द पीस, पीई ए सी ई. एक पीस होता है पीस ऑफ पेपर, यानी ओके. और ये पीस जो आपका यहाँ पे, उसका स्पेलिंग क्या होता है पीस का, पी आई ई सी ई. एंड हियर द स्पेलिंग इज पीस, पी ई ए सी. सो पीस ऑफ पेपर कह सकते हैं हम लोग, जो आई ई सी ई है. और यहाँ पे जो पीस है, इसका मतलब होता है ए सिचुएशन और ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच देर इज नो वॉर और वायलेंस इन एन एरिया और इन एन कंट्री. यानी शांति, शांति है, कोई भी वॉर या फिर वायलेंस नहीं होता किसी भी एरिया में या फिर किसी भी कंट्री में. और जो पी आई ई सी ई होता है, दैट इज पीस ऑफ पेपर, यानी कोई एक टुकड़ा पेपर का है, उसे हम कहते हैं पीस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पी ई ए सी ई एंड पी आई ई सी ई. सो व्हाट यू विल डू, यू विल लर्न दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड यू विल राइट इट डाउन इन योर क्लास वर्क कॉपी. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस डिफिकल्ट वर्ड्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you.